हेलो गाइज, वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। ऑनपेसिप के जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, आप लोगों को बताना चाहेंगे, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ऑनपेसिप के जो वेबसाइट है वो कितने नंबर पे रैंक कर रहे हैं, हमारे इंडिया में कितने नंबर पे रैंक कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कितने नंबर पर रैंक कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों को हम ये भी बताने वाले हैं ऑनपेसिप को जो विज़िट करने वाले लोग हैं वो कितने हैं वर्ल्ड वाइड, ये बहुत जानना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे $10 मिलियन जो लोगों को विड्रॉल देने वाले थे जनवरी में, उसका क्या हुआ और एस बोम का क्या हुआ। टोटल जानकारी पाने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले आप लोग को बता दें, अगर आप ऑनपेसिप के या किसी भी वेबसाइट के रैंकिंग चेक करना चाहते हैं तो आपको गूगल में जाके लिखना होगा शेमरस। जैसे लिखेंगे उसका वेबसाइट आ जाएंगे। शेमरस वेबसाइट में जाके सर्च बार में आप ऑनपेसिप लिख दीजिए, जैसे लिखेंगे पूरा डिटेल वहां पे निकल के आ जाएंगे। अगर हम इंडिया की रैंकिंग की बात करें, 6820 रैंक के आसपास रैंक कर रहे हैं, मतलब ये रैंकिंग ठीक ठाक है अगर कहा जाए ऑनपेसिप के एतबार से। तो अब बात कर लेते हैं कि पूरी दुनिया में ऑनपेसिप को कितने लोग विज़िट करते हैं, ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। अगर हम बात की जाए नवंबर महीना की, तो नवंबर महीना में 1.83 मिलियन लोग हमारे ऑनपेसिप को विजिट किए हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। और अगर आप बात की जाए उससे पहला वाला मंथ, तो उससे पहला वाला मंथ 2.2 मिलियन लोग यहां पे विजिट किए हैं। मतलब यहां पे जितने भी लोग आए हैं सब ना सब ऑनपेसिप के साथ जुड़े हैं या तो ऑनपेसिप के बारे में जानते हैं। इसके मतलब ये हुआ कि हमारा वेबसाइट को विजिट करने की जो संख्या है बहुत बड़े पैमाने पर है, जिसके कारण हमारा वेबसाइट धीरे धीरे वायरल हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जनवरी में जो मिलने वाला था $10 मिलियन, तो आप लोग को हम बता दें, अगर आप $10 मिलियन यानी बल्क पेमेंट के बारे में सोचते हैं, तो यस प्रोफेसर बताए भी थे कि आप लोगों को बहुत ही जल्द आप लोगों को आपका पेंडिंग अमाउंट मिल जाएंगे और हम लोग बहुत ही जल्द बल्क पेमेंट दे देंगे। और ये बल्क पेमेंट की शुरुआत जनवरी में हो सकता है, तो आप लोग को बता दें अभी जनवरी का शुरुआती दौर है, अभी पूरा महीना बाकी है, तो आप लोगों को इतना जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द आप लोगों को इनके बारे में जानकारी मिल जाएंगे। एस प्रोफेसर आके आपको अपडेट जरूर देंगे। अब बात कर लेते हैं एस बम की, तो आप लोग को बता दें एस बम की घोषणा भी हो सकता है कि जनवरी महीना में हो जाए, लेकिन इसकी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जो भी होंगे आने वाले समय पर आपको पता चल जाएंगे। बैक ऑफिस